अरे क्यों बुलवाया है मुझे, अरे कहो तेरे सब क्यों बुलवाया है पागल लड़की, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? ए, मैं आपकी बहादुरी और आपकी दिलेरी की दीवानी हो चुकी हूँ। राम कसम, हमें आपकी तो बहुत बरसों से तलाश थी। इसका मतलब है? आज कहते हैं यह दिल मुद्दत के लिए किसी के लिए एक बार धड़कता है, आपके लिए तो हमारा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। अब करो क्या प्यार, और प्यार का नाम पहले लिया करो। तू प्यार करना चाहती है? राम कसम, लेकिन मैं तुझसे प्यार करना नहीं चाहता हूँ। क्यों, मुझ में कोई खराबी है? क्योंकि प्यार प्यार नहीं, प्यार एक धोखा है। अच्छा, प्यार प्यार नहीं, प्यार एक धोखा है, और प्यार करने वालों को हमेशा रोते हुए देखा है। राजेश जी, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो प्यार का वादा करके घर बैठी रहती है। सुमन ने आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत की है, और ये सुमन मर जाएगी पर आपसे कभी बेवफाई नहीं करेगी। तो कैसे कर लूं यकीन मैं तेरी बात पर, कैसे कर, और मैं तेरी बात पर आजकल का भरोसा न होता मुझे। बैठ डोली पिया घर और चली जाऊंगी मैं तड़पता यूं ही ऐसे मच्छा। राजेश, मैं अगर जो सुमन की डोली जाएगी तो सिर्फ राजेश के आंगन जाएगी, वरना ये सुमन कमारी मर जाएगी। वादा कम ना ज्यादा। राजेश, आज ये तुम्हारा सर, हाय भगवान, लगता है कोई हमें तुम्हें देख रहा है, जयकारा लग रहा है। और मगरमच्छ के अलावा कौन हो? राजेश, क्या कर रहे हो? हमार बाबा कहत रहे, सही कहत रहे। क्या कह रहे थे? शेर के पिस ना खून मा सांप के मुंह अंग, और पिछिक पिसोत पूछ मा किनार करे अंग अंग। वो का सर, शेर पंजा मार दे आदमी करे तुरंत भी चढ़े लागत। हाँ, सांप अपन मुंह मार दे आदमी तुरंत भी चढ़े लागत। हाँ, बिच्छी अपन डंख मार दे जो उन पूछ में काटा हो आदमी तुरंत भी चढ़े लागत। चुप्पे वाली बात, चुप्पे वाली बात, लौड़िया न जाने पाओ है। नेहरू का अंग आदमी के लाग जाए जल्ले रोवा खड़े। राजेश साला बदतमीज आदमी, आज हम तुम प्यार में कुछ वादे खाएंगे कि अगर हम मर भी जाएंगे पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच कह रही हो? साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा, साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा। ये है सनम।
रहूंगी हर घड़ी मैं प्यारी में। अब तो लिखे के अपना फसाना जो जी तेरा फैसला क्या है तेरा फैसला हो ना। ए राजेश देखो आंखें ना बनावा करूंगा बहुत खराब बात लागत है। बताओ बताई का तुम आंखें पहले तो बनावे लगा तो बात का भैया तुम भूल ही जाई थी कहे का मतलब यो है खोपड़ी पर हारा ना भूजो इसे गन्नम निकल जा। राजेश देखो आज की मोहब्बत इतनी बहुत हो चुकी क्योंकि हमारे भैया हमारा घर पे इंतजार करते होंगे। सच कह रही हो सुमन मैं तुम्हें कल मिलूंगी कॉलेज के पीछे 10 बजे आओगे ना। आएंगे जरूर आएंगे सुमन। अच्छा बाय बाय बाय। अरे मैं तो प्यार वार के चक्कर में पड़ा रहा लेकिन अपने घर के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अगर मैं टाइम से घर पहुंचूंगा नहीं तो हमारे भैया भाभी हम पर नाराज हो जाएंगे और खाम खा परेशान भी हो जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी अपने घर के लिए पहुंचना चाहिए। अपने भैया से पहले अपने भाभी माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी कॉलेज जाने से पहले हमें आशीर्वाद की जरूरत है। यह प्यार देख के यहाँ खौसा ना कहना हो यह प्यार देख के यहाँ लॉकडाउन 100 रुपया किलो प्याज बिकेगा। अब कोई 20 रुपए में नहीं पूछता आड़ी सरी जा रही। हाँ अब हम हो इनके नौकरी से छोड़ सीधे थाना शांति नगर में चौकीदारी करवा जाए। थाना बहोली और परगवा परपाती पिसावा थाना मोहली बरगवा बर्बादी पिसावा हो गई ला हो सक। एक बात ये बताओ साले यहाँ थाने में हो या घर में हो? थाने में हो घर में बर्बादी पिसावा कर रहे हो? नहीं 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 थाने में कौन हो रहे हैं के चौकीदार चौकी सबकी कहो चौकीदार हो। क्या नाम है? हमारा नाम घासी। बाप का नाम? फुलासी। रहता कहाँ है? पासी। बात क्या है? पासी। सूरज ऐसा घासी पासी सुना रहे हो? हम थाने को जाते हैं कोतवाली को जाते हैं चौकी पे जाते हैं पुलिस ये चौकीदारी पासी लोग क्यों करते हैं रे? साहब जो ये चौकीदारी है पासी खानदान से बराबर चली आ रही है। कौन के ब्रदर आपको ज्यादा मिलेंगे? शायद तुम नहीं जानते हो पासी लोग कैसे होते हैं। कच्ची दारू बनाते हैं जुआ खेलते हैं डाका डालते हैं इतनी सी बात नहीं जरा जरा जमीन पे मर्डर करते थे मर्डर। सही क्या होता है जब को हीरा पर लगे तो हमारे भाई ब्रदर जात भरा रहे थे उन्हें क्या तुम मटर बहे हो तो मटर तोड़ बाजार में बेच लाओ। खाने वाला नहीं खून जानते हो कत्ल जानते हो वो कर देते है रे। तुम साले मटर बता रहे चौकीदार हो शायद तुम हमें नहीं जानते हो हम यहाँ के कौन है। कौन है साहब? हमारे नाम और काम से वाकिफ नहीं हो। क्या आई एम चड्ढा सिंह है हमारा नाम। क्या बताओ गड्ढा है तुम्हारा फरसोल बोलो। कौन हो? ओ भालू ये भालू
जंगल वाले भालू है। नाम इनका है भल्लू हवलदार, नाम है भल्लू हवलदार। हाँ इधर गड्ढा चड्ढा चड्ढा भालू भल्लू। तुम्हें जब नौकरी मिली थी कौन कौन सामान मिला था बताओ। हम जब नौकरी करे रहन तो हमका तीन चीजें मिली रहती थी। तीन? हाँ कौन कौन चीज मिली थी? यह लाठी। ये फर्श किसकी है? सरकारी। टूट जाएगी जवाब किसको देना पड़ेगा? आपको। गलती तुम करो जवाब हम दे। आराम से लाठी बनना चाहिए। जी समझ गए हो? जी। जीप नहीं साले मोटरसाइकिल बोलो है? और साइकिल मिली रहा था। कहाँ है साइकिल? ऑफिस के बाहर साइकिल है, ऑफिस के अंदर लाओगे बाहर देख लेंगे। और कहा मिला था? साफा। साफा कहाँ? अरे साफा साले ऐसे डाले घूम रहे हो जैसे बने जोकर घूम रहे हो। कहा है साफा? साफे के तरीके डालोगे क्योंकि साहब के आने का समय है। साहब साफा साफे के तरीके डाले साहब निरोध पुड़िया खाई हो। हाँ बंद हो गया। मिली कहा? छतबंग। अरे वो दबंग होती है रे। हाँ तुम खाती हो। सफा सफे की तरह खौसे कहाँ ले लुटियम पानी ले गन्ना खाई चलो सिगार तानी छोटी खेतमा आलू आलू ससुर बड़े चालू हाय दैया दैया। साफा साले ऐसे डाले घूम रहे जैसे बने महमूदाबाद के काजल हिजरा है। ऐसा बात है कुंडी ना खनकाओ रोज सीधे अंदर आओ। चुप रे साफा साफे के जरिए डर रहे से पूछो पाना रे जामा कहो आगे बढ़ो रे। ये थाना है कोई तुम्हारा घर है? थाना है। हम कोई तुम्हारे जीजा फूफा जो शादी हो करवा रहे हैं कैसा तो हमारे सब भाई बंधु भरतिया बैठ तुमका बनरा बना रहे हैं। रावण के भाई कुंभकर्ण खुश रहो खुश रहे। लठिया उठाओ और साले साफा डाल लिया है लठिया उठाओ गेट पे नजर आना क्योंकि अभी अभी हमारे पास फोन आया था। कहीं का खून भाव? खून तुम्हें कहा खून भाव? अरे फोन आया था रे फोन थाने में एसपी साहब आने वाले हैं। एसपी साहब समझ गए हो? फिर शांति नगर के थाने में आने वाले राइट टू ऑल ऑफ यू यू आर वेलकम। आए हुए अतिथि व बैठे हुए मेहमानों को एसपी राणा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार व जय है। क्या नाम है तुम्हारा? आईएम चड्ढा सिंह। ये आईएम क्या होता है? ये हमारा तकिया कलाम है। इडियट बदतमीज़ शैतान। ये आईएम जो है तकिया कलाम अपने घर में रख के आना। थाना शाही शांति नगर में रहना है तो सिर्फ नाम चड्ढा सिंह होना चाहिए। मेरी बात दिलो दिमाग में डाल लेना दोबारा ऐसी गलती ना करना समझ गए?
क्या नाम है? भल्लू हवलदार। थारा शहर शांति नगर में कितने दिन से हो? दो महीने के पहले कहाँ थे? अच्छी बात है, सही टाइम से ड्यूटी आते हो, सही समय से गश्त जाते हो, ठीक है। चलो शायद चलो चौकीदार आगे बढ़। क्या नाम है तेरा? महादेव। महादेव, सच कहा, तेरे माँ बाप ने बहुत प्यार और दुलार से तेरा नाम महादेव। महादेव, तेरा नाम महादेव है तो तेरे बाप का क्या नाम है? बाप का नाम रहाई देव। बदतमीजी, ये स्वर शैतान, मैं तेरे पिताजी का नाम पूछता हूँ और तू कहता रहाई देव, ये कौन सी परिभाषा है तेरी रे? तेरे बाप का नाम मैं पूछता हूँ, तू कहता रहाई देव। हाँ, हमारा नाम महादेव, बाप का नाम रहाई देव। बार बार वही बात। हाँ साहब, मैं तुझसे पूछता हूँ तेरे बाप का क्या नाम है? महादेव, बाप का नाम रहाई देव। तेरी कहने का मतलब तेरे बाप का नाम रहने दो है? साले, तेरा जैसा नाम तेरा तैसे तेरे बाप का नाम है। कहने का मतलब तेरा नाम महादेव, तेरे बाप का नाम रहा देव, फिर तेरे बाबा का क्या नाम है? बाबा का नाम सीधे पहन देव। ये बताओ किस खानदान से पैदा हुए हो? हम निर्वंशी बसिया। निर्वंशी नहीं, उसे राजवंशी बोलते हैं। कहने का मतलब ठेठर वाले पसिया हो, शुअर पालने वाले, अच्छी बात है। लठिया साफा उठाओ और जाकर के गेट पे नजर आओ, जब आवाज दी जाए तभी थाने के अंदर आना है तुम्हें, समझ गए? दीवान लाओ, थाना शहर शांति नगर की जीटी फाइल लाओ, मैं जीटी फाइल को चेक करूं। चिट्ठी फाइल के पन्ने को खोल के नजर डालता हो तो सिर्फ दो ही या तीन नजर नाम आते हैं, वो जानते हो कौन से? डाकू आजाद सिंह शेर से। वाह, ये लोग डाकू का नाम सुन करके थाने के गेट को क्रॉस करते हैं, ऐसी कौन सी खूबी है फाइल में, क्या बात है? क्यों फाइल को बंद करें? क्या बात है जो फाइल को बंद करें? चलो मानता हूं फाइल को बंद कर रहा हूं। दीवान, हमें ये बताओ, डाकू आजाद सिंह और शेर सिंह व मंगल सिंह में ऐसी कौन सी खूबी है जो नाम सुनते तुम लोग थाने के गेट को क्रॉस करते हो? अरे इतने खतरनाक डाकू है साहब। क्यों? इतने खूंखार डाकू है साहब। अच्छा, साले झूठ में गोली मार देते हैं और हम कई बार दबिश लेके गया, लेकिन वो साले हाथ ही नहीं आते, चकमा देके निकल जाते हैं। चकमा देके निकल जाते हैं, या सही तरीके से तुम लोग वहाँ पे पहुँचते नहीं हो? आखिर में आजाद सिंह व शेर सिंह मंगल सिंह आप तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरेस्ट होंगे तो कैसे होंगे साहब? कैसे होंगे? डाकुओं की संख्या ज्यादा है और पुलिस फोर्स में नौजवानों की कमी है। कहने का मतलब शहर शांति नगर में उसकी कमी है, इसीलिए जब जब तुम लोग अड्डे पे रेट मारने के लिए जाते हो तो डाकू आजाद सिंह व शेर सिंह मंगल सिंह तुम्हें लोगों को चकमा देके वो निकल जाता है। एक काम करो, एक नया नया ऑफिसर अभी अभी ट्रेनिंग पास करके अपने क्वार्टर पे आराम फरमा रहा है, अरे वो ऑफिसर ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, हम लोग ताक देते हैं। इसी वक्त जाकर के उसके क्वार्टर पे
जिसका नाम जानते हो क्या है? वो उसका नाम है इंस्पेक्टर अजय। अजय सिंह वो फौलाद की बड़ा है, पत्ते को हिलने से पहले पेड़ को काट देता है। जाकर के क्वार्टर पे उसे बोल दो ये भी राणा तुम्हें याद किया। मेरे दिल में है
चार पड़ोसी की तमन्ना आज मेरे दिल में है। अरे देखना है जोर कितना बाजे, जाप के उसके बाप को लाओ का पकड़ कर, जाप के उसके बाप को लाओ का पकड़ कर, अरे कत्तों में डाल दूंगा चालक को। शाबाश मेरे हिंद के शेर, तुम्हारे ऊपर यश भी राणा को नाज है नाज। अजय इंस्पेक्टर जिस तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं 24 घंटे का तुम्हें फुल पावर दे रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर डाकू आजाद सिंह होना चाहिए सलाखों क्या सर। 24 घंटे तो बहुत दूर रहे, अरे 12 घंटों में होगा आजाद सिंह लोगों का। सच कहा सच कहा जाए, इन्हीं बातों के साथ साथ तुम्हें मालूम होना चाहिए डाकू आज नहीं तो कल जरूर अरेस्ट हो जाएगा। अभी अभी जो शहर शांति नगर में चुनाव हुआ है और चुनाव में जो प्रत्याशी हमारे श्रीमान जीत करके आए हुए हैं, जिनका नाम है मंत्री रामाव तार, मंत्री रामाव तार सिंह मंत्री का पद पाया है और वो गए हैं दिल्ली को शपथ लेने के लिए। कुछ ही पल में शपथ लेकर के वापस आ रहे हैं और शहर शांति नगर में लगाएंगे मीटिंग। इसलिए आईजी साहब का सख्त आदेश है, इसलिए सारा फोर्स सजा लो, सारा फोर्स तैयार कर लो। ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले, ड्राइवर से बोल दो गैरेज से गाड़ी निकाले, हमें तुम्हें कहाँ चलना है। पल की देरी नहीं लगाना चाहिए, पल की देरी नहीं लगाना चाहिए, अरे ये पैगाम शहर शांति नगर की तरफ बढ़ाना। पीछे रह जाते हैं दीवान व हवलदार इंस्पेक्टर अजय जी सर, माइक को चारों तरफ से चेक करा लो क्योंकि कोई बात की गफलत नहीं होना चाहिए। और समय हो रहा है मंत्री महोदय के आने का, इसलिए सारे लोग ड्यूटी से लग जाओ क्योंकि मंत्री महोदय का आगमन। What?